guys. You guys ready? तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रकाश? किसे हुआ ये? बस बेटा मेरा जरा चश्मा तो उठा देना। चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू सुप्रिया की रिपोर्ट। क्या? सुप्रिया की रिपोर्ट? पागल हो गया है तू? शर्म नहीं आती एक बाप के साथ ऐसा गंदा मजाक करते हुए? काशी मजाक सच। क्या क्या मुमकिन से सुप्रिया को? हमारी सुप्रिया को? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता प्रकाश। ये सब गलत है। तू चिंता मत कर, मैं खुद सारे चेकअप करवाऊंगा और उनकी रिपोर्ट में तुम्हारे हाथ में रखकर कहूंगा, जो चीख चीख कर यही कहेंगी कि हमारी सुप्रिया को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। सुप्रिया को कुछ नहीं हुआ। फाड़ दे ये रिपोर्ट। फाड़ दे रिपोर्ट। फाड़ देने से जो सुप्रिया को हुआ है वो बदल तो नहीं जाएगा। भरोसा है इस रिपोर्ट पर? कैंसर हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। इस पर न विश्वास करने लायक कोई बात ही नहीं है। मेरे बदनसीबी की रिपोर्ट है बेटा। बदनसीबी की रिपोर्ट है। कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ लेकिन इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग से कैसे निकल गई कि प्रिया कहीं भाग भी सकती है? रात दिन उस पर नजर रखकर बैठा था, मुझे क्यों दोष दे रही हो? नजर रखी थी तो प्रिया गई कहाँ? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढो उसे? बताओ ना कहाँ ढूंढो उसे। हर जगह ढूंढ कर कोशिश कर ली, कहीं पता नहीं चला। भगवान जाने कहाँ होगी वो। देखो भगवान को याद करके कुछ नहीं होगा, इंसान के बारे में सोचो। पता है सुप्रिया भी घर पर नहीं है। मुझे लगता है सुप्रिया ही प्रिया को लेकर कहीं चली गई। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर सुप्रिया पर नजर रखो। मेरा मन कहता है कि प्रिया का पता हमें सुप्रिया के थ्रू ही लग सकता है। एक बार सुप्रिया का पता चल गया तो प्रिया का पता चल जाएगा। बस दूर की मत सोचो, प्रिया कहीं भी रहे ज्यादा दिनों तक मेरी नजरों से छिप नहीं सकती। सबसे पहले सुप्रिया पर नजर रखनी होगी। मैं पूछती हूँ पापा कि सुप्रिया दीदी की बीमारी के बारे में प्रकाश भैया को बताने की क्या जरूरत थी? देख लगी बात दरअसल जी है कि मैंने सोची भाई जी कोई छुपे छुपावे वाली बात तो है ना, है पता तो लगेगी आज ना है। तो मैंने सोची भाई जितनी जल्दी पता लग जाए अच्छा है, थोड़ो वक्त तो लेगो ना प्रकाश कुमार संभलबे में। बस आपने इतना ही सोचा? ये नहीं सोचा कि जब सुप्रिया दीदी आएंगी तो प्रकाश भैया पर क्या बीतेगी? ये सीधी बातें सोचते ही काहे कुसुम, इनकी तो सोच भी उल्टी है और काम है। देख प्रमिला देवी जे बात ना है। बस अब बस भी करो, आपने बात तो बिगाड़ दी ना, अब और बातें मत बना। चलो कुसुम। अरे ससुर जी ये औरत डिपार्टमेंट तो बिल्कुल खिलाफ हो गया आपके। अरे जान दे यार, औरतन को कौन समझा,
इनकी समझ में ही ना आया है कि बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अरे अरे भाई, इनको क्या पता कि हम ससुर दामाद को तो प्लान क्या है। हाँ। क्यों? अरे इनको छोड़ो आप, एक घर गृहस्थ में उलझी रहेंगे, तभी तो हम अपना पैर बिजनेस में उलझाएंगे। अरे भाई, उलझाना ही पड़ेगा बिजनेस में। और देखो, वो दुर्गा प्रसाद जी के घर में वो कानाम बापो वीरेंद्र कुमार की शादी की बात चल रही है, वहाँ भी गोटी फिट करनी पड़ेगी भैया। अरे कमीशन को मांग लो। एक काम करो, आप वहाँ संभालो, मैं यहाँ देखो। अरे ना, मैं यहाँ भी तो हूँ, अकेलो कैसे छोड़ सकूँ, तो भी तो नजर रखनी पड़ेगी। नहीं मतलब तेरे भले के लिए उस्ताद। देख भाई, बात ऐसी है दीपक कुमार कि तू तो मेरे हिस्से पे नजर रख, जैसे जमा है तो जा, मुझको बता दो, जा आई बात समझ में। खास बात है? नहीं, खास तो नहीं भाभी माँ, लेकिन आपसे डिस्कस जरूर कर लेंगे। हाँ हाँ, कहो ना भाभी माँ। वीरेंद्र और चंद्रिका दोनों के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनका कारोबार भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि दोनों की शादियां बड़े सिंपल तरीके से हो। मतलब ज्यादा शोबाजी ना हो भाभी माँ, आप तो जानती हैं आजकल बिजनेस में 50 दुश्मन होते हैं। वैसे भी हम लोग परेशानियों से गुजरे हैं, अब कल को कोई उल्टे सीधे फोन आने लग जाए तो नाहक परेशानी बढ़ेगी भाभी। ये जरूरी रस्में सारी होंगी भाभी माँ, लेकिन वो भीड़ भड़क का ना हो। आप भी जिनको जरूरी समझें उन्हीं को बुलाएं प्लीज। नहीं, अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगती है भाभी माँ तो। अरे नहीं नहीं राम, हालात को देखते हुए तुम दोनों ने ठीक ही सोचा है, हम दोनों की शादी सिंपल तरीके से ही करेंगे। ठीक है मैम, चले हम लोग। ठीक है, आप अपना पार्ट कीजिए। और लेकिन सामने वाले ऊंचे लोग हैं, हमें उन्हें पहले से ही बता देना चाहिए कि हम सब अपने हिसाब से करेंगे। उन्हें अपने शानो शौक को दिखाने तो शौक से दिखाएं। आप लगाइए ना उनको और बताइए उसे। हाँ, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, महेश बोल रहा हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते महेश जी, कहिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस भगवान की कृपा है। कहिए महेश जी, कैसे याद किया? एक बात कहनी थी आपसे, कुछ संकोच हो रहा है मुझे। अरे संकोच कैसा महेश जी, अब तो हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं, कहिए बात क्या है? दुर्गा प्रसाद जी, मेघा की ताई और खुद मेरी इच्छा थी कि हम मेघा की शादी सादगी के साथ करें। मेरा मतलब है कि अरे आपने तो हमारे मन की बात कर दी महेश जी, हम सब भी यही चाहते हैं कि दोनों शादियां बिल्कुल सादगी से हों। अब आपने भी अपनी सहमति दे दी। अरे भाई, ये दोनों काम आप ही को संभालने हैं, बहू लानी है और बेटी विदा कर दो। धन्यवाद दुर्गा प्रसाद जी, आपने तो मुझे निश्चिंत कर दिया, मैं बहुत जल्द आकर आपसे। अच्छा नमस्कार। नमस्कार महेश। शुक्रिया, मान गए।
देखो तुम ये पत्थरों से खेलना कब बंद करोगी? हाँ विक्की, तुमने कितनी बार बताया ये मेरे बचपन का शौक है। लेकिन ये बचपन कब छोड़ोगी तुम? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब। आउच, पकड़ो मुझे। नीचे आओ। अच्छा अच्छा क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो गए? नहीं, ये पेड़ पौधे नजारे देख रहा हूँ। जब तुम्हें पत्थर खेलने से फुर्सत मिल जाएगी तो दो बातें भी कर लेंगे। ओहो, तुम तो नाराज हो गए। लो फेंक दिए पत्थर। अच्छा इधर आओ। अब ये कहाँ से टपक पड़ा? ये क्या है भैया? ये छोटू का सिंगदाना है साहब। वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि सिंगदाना है, लेकिन हमें सिंगदाना नहीं चाहिए। खाना तो पड़ेगा साहब। अरे ये क्या जबरदस्ती है, क्या मतलब खाना पड़ेगा? वही तो आप समझ नहीं रही है मैम साहब। छोटू का सिंगदाना जो लोग खाते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब बहुत नजदीक आ जाते हैं, उनकी जोड़ियां बन जाती हैं। और एक बार जो खा लिया तो यहाँ बार बार आता है। ये तो बहुत कमाल की बात है। तुम ऐसा करो, पूरी की पूरी टोकरी यहाँ रख दो। नहीं भैया, एक ही पुड़िया दे। तो एक नहीं, कम से कम दो पुड़िया तो ले लो। ओहो विक्की, तुम समझते नहीं हो, एक पुड़िया में खाने से प्यार बढ़ता है। You are right. Yeah. अब तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? आप कल कितने बजे आने वाले? ओ कल देखो, कल हमको 10 तेरी मेरा निशाना भी बहुत अच्छा है। ए लल्लू, ऐसे नहीं। डिलीशियस 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 डिलीशियस।